बांदा की चुगली में तुम्हारे सब जने का स्वागत है। इंटो जो अंगूठा है यही दबा के वीडियो का लाइक कर लिया, और जो तुम्हें लाल लाल बटन दिखा के सब्सक्राइब के यही दबा के चैनल का सब्सक्राइब कर लिया, और हाँ हमारे चैनल के स्पेशल सदस्य बने खातिर हमें अंते ज्वाइन कर लिया और अंते सब जने का वीडियो शेयर कर दिया। चला फिर आज का वीडियो शुरू कर। के याद आ सतावे लगी। अरे तुर्रा वाली जीजी तुम आवा आवा। अरे आज कबराई वाली बड़ी उदास दिखाती। मैं तो बड़ा सुने रहा हूँ कि कबराई वाली हमेशा हंसत हंसावत रहती, का बात ही है? अरे तुर्रा वाली जीजी वैसे ना अम्मा की याद आया वो थी। हर साल धैया गणेशन के त्योहार मना अम्मा के साथ में लपसी बनवावा करो, शकरकंद चिरवावा करो, और जितनी देर तक वो पूजा करे ना वही के लगे बैठ के मैं पूजा करवावा करत रही हूँ। आसो मोर अम्मा बिचारी अकेले शकरकंद बनाई पूजी, यह सब सोच सोच के याद हुई मन उदास हुए। अरे कबराई वाली ये तो दुनिया की रीत है यार, एक न एक दिन बिटियन का अपन घर छोड़ के आओ का परत है। पर कोनो बात नहीं, अब वो अम्मा का छोड़ के आए हैं तो ये अम्मा हवे तोर, तो सास तो वैसे हर एक चीज में नीख ही। हाँ तुर्रा वाली जीजी ऐसी तो कोनो बात नहीं है, सासू अम्मा प्यार तो करती हैं पर दिला फसी जाओ थे कतो कतो पे अम्मा की याद आन जाती। कहाँ है तो सास दिखात नहीं है थे काम आए रहा। अरे जीजी अम्मा तो आज बाजारे चली गई है, शकरकंद है गुर सिंघारा उंघारा सब ले कहा बाजार से, थोड़ी सस्ते रेट में मिल जाते तो लेता हूँ, तुम कौन लेता हुआ फिर मैं घर में आई हूँ। अरे गुहार कबराई वाली तब तुम्हार आवब असफल भा फिर। अरे जीजी कहे ऐसा कौन काम है बतावा, मैं कर दू तुम्हारा काम। अरे कबराई वाली वो मुझ तिला नहीं कर रहा तो सास से ले लेती हूँ, बिना सास के तो इसे मैं कसत ले मुँह नीक नहीं लागता, अब बिना तिल के तो ये गणेशन के पूजा नहीं होती है। कहा बताऊँ वैसे तो मैं सब चीज सहते रहा हूँ, फिर आसो मुँह तिल सरा गिर रहे हमें। देखा जीजी देखो तो महू दे सकती हूँ, पर कोनो बात नहीं है तुम्हें नहीं लेगा बिना अम्मा के पूछे, तो जय अम्मा जी हैं तो फिर मैं कोनों से भिजवा दे तिल, परेशान न हुआ। हाँ और तिलन का ध्यान दीने, तिलन का बड़ा महत्व है ये पूजा में, तिलन के बिना तो ये पूजा अधूरी है। गणेशन की पूजा का इतना महत्व का सता है जीजी, महू का बता दिया कि कोनो कथा वथा सुना दिया, मैं सुने हूँ तुम्हें बहुत कथा वथा होती है मैं। चल अब जल्दी रहो, पर अब तो कहती है तो तोरो मन क्या कर दे बताए दे तू ध्यान से सुने। हाँ हाँ जीजी सुनाओ, बहुत ध्यान से सुनियो, आगे चल के फिर महू करा खोई ना। देखो री ये के कहानी इनता ना, एक साहूकार रहा है साहूकार नहीं रहा है, उन दोनों बहुत कंजूस रहा है, कोनो दान धर्म पुण्य व्रत कथा ये सब का तो कुछ होना करत रहा है, उनके लड़का बच्चा ना रहा है एक को। तो एक दिन का भा उनके मोहल्ला में माघ के महीना में चौथ के एक मेहरिया कहानी सुनत रहा है, तो साहूकार ने वहीं ते गे तो देखिस कि अरे ये कौन कहानी है सुनत, वहू का उत्सुकता लाग, तो वैसे पूछिस कि तैया कहा करत ये, तो पड़ोसन बताइस कि आज तिल चौथ का व्रत है, तिल चौथ यानी गणेशन की पूजा, मैं वह की पूजा करती हूँ कहानी सुनती हूँ। यह सुन के साहूकारनी का मन मत हो यह सवाल उत्पन्न भी, तो वह कहती है इसे का हुआ था वे यह पूजा करे से या कहानी कर सुने से हुआ का हवे, तो फिर पड़ोसन बताइस कि इसे अन्न धन मिला था, संतान के प्राप्ति हो थी और सब घर में अच्छा अच्छा होत है, तो जाइए साहूकार ने सुने से कि अरे यह कहानी सुने से संतान की प्राप्ति होती तो वह के लिए संतान तो रहा ना भी, तो वह लगाइस कि मैं ये व्रत रही हूँ, तो वह कही मैं सावा अम्मा निकल तिल कुट्टा का भोग लगाई हूँ चौथ माता, अगर तुम मुही संतान देहा तो। यहीं तन थोड़े दिन बीते वही के बाद साहूकार ने गर्भवती हो गई, वही का बड़ा आश्चर्य भा कि अरे मैं तो अब सिर्फ मन्नत माने हूँ चौथ माता के सामने, अब बताओ इतना बड़ा चमत्कार होगा, वो बहुत खुश रही। फिर जीजी आगे का भा, अरे वो कंजूस तो रहा बे भे, अब वो का कहती मैं सवा मन का तिल कुट्टा तय चढ़ाई हूँ, जय मुह का लड़का हो बिटिया नहीं। बड़ी कंजूस नहीं करी जीजी, लड़का हो चाहे बिटिया संतान तो संतान नया हो थी। हाँ उरी वो तो है, पर देख सौभाग वही के लड़का है भा, अब वही का मन फिर पलटा, कहती अब नहीं चढ़ाती हूँ सवा मन का तिल कुट्टा, अब जब वो लड़का क्या काज हुई तय चढ़ाई हूँ। अरे गोहर जीजी वो तो हद दया करे हवे। हाँ उरी देख भागे का हुआ था, लड़का बड़ा भवही का पढ़ाइन लिखाइन पालन पोषण अच्छे से करें, लड़का तुरंत है शादी लायक होएगा, तो अब शादी की तैयारी बनी, शादी तय हो गई बढ़िया बिटिया मिल गए, अब जय बारात लेके गए तो साहूकारनी का बेटा और उसके पत्नी जब फेरा ले लाग तब देख
चौथ माता का पारा अब हाई भा कि ये तो बड़ी गुवा औरत निकली। पहले तो मन्नत मांगिस कि जय लड़का हुई तय चढ़ाई हूँ, फिर कहा थी जय ब्याह हुई हूँ तय तिलकुट्टा चढ़ाई हूँ। अभी तो ये ब्याह हो करत थी लड़का क्या, फिर भी ना ये तिलकुट्टा का भोग लगाइस। ये सब सोच के चौथ माता बहुत नाराज भई और वही के सबक सिखावे का सोचिन। कहीं अगर मैं का सबक नहीं सिखाती हूँ तो कलयुग में हमा का मान्यता रही, को ना हमा पूजा बाजी करी। तू का करिन वो लड़का का फेरन के जगह से गायब कर दिन अपने शक्ति से। और वही का गांव के रास्ता के किनारे में एक पीपल का पेड़ रहा है, वह में बैठा दिन। अब यहाँ जाए फेरन में लड़का गायब या अनहोनी देख के तो पूरे ब्याह में हाहाकार मच गया। रे या का भा या का भा, कोनो मरा इनकी ये समझ में ना आवे कि अरे ये होई कागा फेरन से दुल्हा गायब कसत होएगा। सब जने दुल्हा के ढूंढे में लाग गए पर दुल्हा का तो ना मिला। अब जय ना मिला तो मड़ई थक हार के वह बात का महन ठो दफना दिन। सब अपाय अपाय घरे चले गए, बस यही तना दिन बीतत गए आगे समय आवा। अय गहार जीजी, ये तो बड़ा बुरा भाव बेचारी बिटिया के का गलती बतावा, फेरन से वे का दुल्हा गायब। अय हाँ और इस समय के साथ सब मड़ई भूल जाते, अब का करत बिटिया बेचारी वह अपन रंग ढंग में ढल गए। अब देख का भा चैत का महीना आवा, गड़गौर की पूजा की जाती चैत के महीना में, तो बिटियन का डूब लें जाखवा थे 16 दिना। तो वो बिटिया डूब लेंगे पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ वो बिटिया बनते गुजरे तो वो पीपल पे जो दुल्हा बैठ रहा करे वो रोज बोला करे, आ मेरी अधब्याही दुल्हन, आ मोर अधब्याही दुल्हन। अब जय वह बिटिया इतना सुना है तो वह खूब डरा है कि अरे या पेड़ के ऊपर दुल्हा के भेष में कोनो आदमी बैठे। अब मुहि इंतन कहा थे ये को आए भूता प्रेता देवा दानो आए आखिर आए को। वो बहुत डराए लाग दिने दिन सुखाए जाए दुबराए जाए, यानी कि बिल्कुल कमजोर हो गए। एक दिन वही के महतारी देखी कि मुँह बिटिया बड़े झुरान जाती, मैं का पूरा भर पेट खाने देती फिर भी ये लकड़ी की तरह सुखान जाती। वैसे पूछी कि बिटिया आखिर बात कहा इतनी दुबरान कहे जाती है। अब जय महतारी पूछिस भी बिटिया डर भूके बिचारी बताइस कि अम्मा जब बहिन मैं पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे डूब ले जातूँ तब बहिन एक पेड़ ही माँ आदमी बैठ रहा थे, वो पूरे दुल्हा के भेष में रहा थे। अब वह मुहकर जब ही देखी तो बस इतने चिल्लाई मोर अधब्याही दुल्हन आ मोर अधब्याही दुल्हन आ। यह बात मुहका अम्मा बहुत परेशान करे है, अम्मा तो इसे बताऊँ मैं डरात रही हूँ, यही से मुही ये बात मने मन खाए जाती। ठीक आ भजी जी। अरे बतावो धुना कबराई वाली, तो इसे ये कुधैर नहीं बनहता है, रुक सुन आगे का हुआ था। तो फिर जय महतारी ये सब सुनिस तो कहिस बिटी ते परेशान न हो, मैं सकारे तो साथे दुबले मामे चली हूँ, देखत हूँ आखिर बात कहा है। अब जय वह पीपल के पेड़ के नीचे महतारी बिटिया पहुँची तो महतारी चीन गे कि अरे ये तो मोरे दमादा जौन अदभौरिन से गायब हुई गा रहा है। अब वो बिटिया ना जानत रहा कहे कि वह ओढ़े रहा है तो वह चेहरा ना दिखिस रहा है ना चिन्हिस, लेकिन महतारी तो चीन गी वह खूब चिल्लान हन के नाराज भे कि आखिर ऐसी कौन बात भे ऐसी का कमी रही मोर बिटिया माँ कि ते बीच अदभौरिन से भाग के यहाँ पीपल के पेड़ में छुपा है। तो फिर वह दुल्हा बोलिस कि मैं तो चौथ माता के वह कारण गिरवी आ रखा हूँ। जय वह सुनिस महतारी तो वह फिर पूछिस कि आखिर ऐसी कौन बात है कि पीपल के पेड़ मते गिरवी रखा है। तो फिर वह लड़का बताइस कि मोर पैदा हुए माँ मोर महतारी गणेशन के चौथ माता के व्रत मानी रहसी और कही रहसी कि सवा मन तिलकुट्टा का भोग लगई हूँ, लेकिन मोर अम्मा भोग नहीं लगाईसी है, कहीस मैं ब्याह में लगई हूँ, ब्याह हो मोर तय होगा मोह भौरी पर लगी तौर अम्मा मोह यह व्रत न पूरा करिस न तिलकुट्टा का भोग लगाइस। यही से चौथ माता नाराज हो के मुही वनते गायब कर दिन और यहाँ पीपल के पेड़ में बैठा दिन। फिर जिज्जी का भा फिर का भा जय महतारी सब बात सुनिस दुल्हा के तो वह दुल्हा के महतारी के लगे गए और वही सब बात बताई सी सब जौन घटित भाया। फिर बिटिया के महतारी अब आए तो बिटिया के महतारी वह कहे नीक तो न लागी कि मो बिटिया ब्याह ही घर में बैठी, वह गे दुल्हा के महतारी के लगे और वैसे ये सब कहानी बताइस। तब साहूकारनी का जाके एहसास भा, वह बोलिस चौथ माता से कि हे चौथ माता मो अपराध क्षमा करा, मुझका एक था अवसर आउ दे दिया मो लड़का मुँह वापस दे दिया, मैं तुम्हें 1.25 मन के बदले 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगई हूँ। जय फिर इंतना गिड़गिड़ान साहूकारनी अब बिटिया के महतारी अनुन विनय की हिस चौथ माता के सामने तो उन्हें दया आ गए, आखिर उन ठहरी माता रानी। वो कहें ठीक है मैं अब तुम्हारा लड़का लौटा दे हूँ, लौटा देहीन लड़का राजी खुशी से पूरा ब्याह भा घरे लौट के आई दुल्हन और अपन अपन व्रत पूरा करिन। सुने यहाँ होती गणेशन के कहानी, यह कहानी माँ तिलन का तो बड़ा महत्व है, तिल न चढ़ावे के बदले दिखे कितना कितना यह कहानी माँ बवाल भा। हाँ जी जी मान गयु मैं, हे चौथ माता जो तना साहूकारनी के लड़का पुतौ का मिलाया वैसे सबका मिलाया, जो को यह कथा सुनत होए सुनावत होए हुकारी भरत होए उस सब जने के मनोकामना पूर करा।
हाँ तो भैया हरा सुन लेना गणेशन की कहानी, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे चौथ माता का नाम लेके, सब जने का शेयर कर देना है कहानी को, का पता ना हो तो सबका पता चल जाए, चैनल का सब्सक्राइब ना करे हो तो वहाँ कर लेना। चला फिर अब मिली थे अगले वीडियो में।